ओके सो भाई और उनकी बहनों कैसे आप लोग। होप करता हूँ सब अच्छे होंगे एंड बहुत ही बढ़िया होंगे। ओके सो गाइस जब भी हम इंस्टा में अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उस टाइम पे हमारे जो फॉलोअर्स होते हैं वो 0-0 होते हैं, मतलब कि 0 फॉलोअर्स होते हैं, और वो हमें देख के अच्छा नहीं लगता कि गाइस हमारे पास 0 फॉलोअर्स तो है। उस वजह तो से हम अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए किसी वेबसाइट या फिर किसी एप्लीकेशन के थ्रू अपने फॉलोअर्स को बढ़ाते हैं। बट गाइस अगर आप ऐसा कर रहे हो तो गाइस उससे हमारे अकाउंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा और फ्यूचर में हमारे अकाउंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा वो मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड अगर आप फेक फॉलोअर्स बढ़ाना ही चाहते हो तो गाइस वो सही तरीका क्या है जिससे कि हमारे अकाउंट में कोई इफेक्ट ना पड़े और हम डेली डेली अपने फॉलोअर्स इंक्रीज करते जाएँ, बस करते जाएँ किसी ऐप से फिर किसी एप्लीकेशन। तो गाइस जो भी मैं आपको बताने वाला तो हूँ चलते चलते हैं शुरू करते हैं बिना किसी देर के गाइस और इस वाले टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार एक लाइक कर देना गाइस एंड साथ में इस वाले चैनल को सब्सक्राइब करना अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो। तो गाइस फेक फॉलोअर्स बढ़ाने का जो हमारा पहला डैमेज करता है हमारे अकाउंट का वो है गाइस इंगेजमेंट। तो गाइस क्या होता है ना कि पहली बार हम जब भी इंस्टा में अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उस टाइम पे हमें बहुत ही अच्छा इंगेजमेंट मिलता है, मतलब कि हमारा जो अकाउंट था दूसरे लोग तो सजेस्ट करता है, अच्छे अच्छे लोगों तक तो सजेस्ट करता है और वो लोग हमें फॉलो करते हैं, मतलब कि आपको डेली 5-6-10 फॉलोअर्स आ जाते हैं। लेकिन अगर आप फेक फॉलोअर्स बढ़ाते हो तो गाइस वो चीज़ें फिर बंद हो जाता है, मतलब कि इंस्टाग्राम का जो सिस्टम है वो आपको पूरा ख़राब कर देता है आपके अकाउंट का, और फिर आपका जो अकाउंट है किसी दूसरे लोगों तक सजेस्ट नहीं होता है, और बाद में हमारा ना ही स्टोरी व्यूज़ आते हैं और ना ही हमारे रील्स पे व्यूज़ आता है और ना ही हमारा रील्स वायरल होता है और ना ही हमारे फोटो पे लाइक्स आते हैं। तो इन सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सिर्फ फेक फॉलोअर्स की वजह से होता है, जो कि हमारे जो इसे बढ़ाने से हमारा जो अकाउंट होता है पूरी तरह से डेड हो जाता है। एंड आपने काफ़ी सारे लोगों को देखा होगा गाइस उनके पास फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब कि यार 5,000-10,000 ऐसे फॉलोअर्स होते हैं बट उसके पोस्ट में लाइक बहुत ही कम जाते हैं, तो वो चीज़ सही नहीं है। अगर आपके पास 2,000 फॉलोअर्स हैं तो लाइक्स कम से कम 500-600-800 ऐसा आते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। तो आपके पास कितने भी फॉलोअर्स क्यों ना हो बट गाइस अगर आपके लाइक्स अच्छे आते हैं तो मतलब सोचता है कि यार सच में जेन्युइनली बंदा है और सच में रियल फॉलोअर्स होंगे, तो इस वजह से आपको फॉलो भी करता है एंड आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है उस टाइम पे। एंड गाइस अगर आप फेक फॉलोअर्स इंक्रीज कर भी रहे हो तो गाइस कम इंक्रीज करो, मतलब कि उतना नहीं कि मतलब ज़्यादा फेक लगे, जितना आपके पास रियल फॉलोअर्स होंगे तो उससे मतलब 2-3 गुना ज़्यादा फॉलोअर्स इंक्रीज करो। अगर आपके पास 500 रियल फॉलोअर्स है तो गाइस कम से कम आपके पास 2,000 फॉलोअर्स है फेक फॉलोअर्स है तो मतलब ठीक है, बढ़िया है, आपके कम से कम मिनिमम लाइक्स अच्छे आने चाहिए। ओके एंड अगर आप सोच रहे हो कि इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ाने का सही तरीका है जिससे कि हमारे अकाउंट में कोई इफेक्ट ना पड़े और हमारा जो अकाउंट है फुल्ली फाइनली सेफ रहे, तो जो तरीका क्या है कि जब आप इंस्टाग्राम पे कोई फोटो वगैरह पोस्ट करते हो तो उस टाइम पे कम से कम 100 या फिर 50 फॉलोअर्स इंक्रीज कर लिया करो, उससे हमारे अकाउंट में ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। और जिससे कि मान लो फॉलोअर्स इंक्रीज तो होते हैं, वो फेक फॉलोअर्स हैं बट वो जो फॉलोअर्स होते हैं ना एक सिर्फ अकाउंट के लिए होते हैं बट वो हमारे चैनल को इफेक्ट नहीं करते, हमारा सॉरी हमारे अकाउंट के इफेक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ फॉलोअर्स के अकाउंट में होते हैं लेकिन वो बस उसी अकाउंट में होते हैं, हालांकि कभी कभी डिक्रीज हो जाते हैं। बट ऐसा करना जब भी आप पोस्ट करो तभी अपने फॉलोअर्स को इंक्रीज करना ऐप से या फिर वेबसाइट से। ओके सो होपफुली गाइस आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करना गाइस एंड साथ में इस वाले चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको इसी तरह से रिलेटेड वीडियो मिलते रहते हैं और आगे भी मिलते रहेंगे।